लद्दाख में मुंह की खाने के बाद चीन अब अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। भारत भी पूरी तरह से यहां अलर्ट पर है। आज यहां चीन की सेना के वेस्टर्न कमान की बैठक होनी है। एलएसी पर जारी तनाव की सभी बड़ी खबरें देखिए टॉप नाइन वॉर जोन एट एलएसी में। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर 6 विवादित इलाकों और 4 संवेदनशील इलाकों में चहलकदमी बढ़ा दी है। रक्षा सूत्र के मुताबिक अपर सुबानसिरी जिले के 4 विवादित इलाकों में चीन काफी सक्रिय नजर आ रहा है। भारतीय सेना भी पूरी तरह तैयार है और पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। यहाँ चीन ने एलएसी के पास एक रोड भी बना ली है। लद्दाख में एलएसी पर भारत के हाथों बार बार मुंह की खाने से बौखलाया चीन बदले की आग में जल रहा है। भारतीय फौज के हाथों पिट्टे से चीन में पीएलए और जिनपिंग को लेकर लोगों में भारी नाराजगी है। भारत के खिलाफ नई साजिश रचने के लिए चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के वेस्टर्न कमांड के कमांडो की आज बैठक है। चीन ने फिर एक प्रोपोगंडा वीडियो जारी किया है जिसमें पीएलए सेनाओं की दूसरी टुकड़ियों के साथ एक संयुक्त युद्धाभ्यास किया। हवाई हमले की भी प्रैक्टिस की गई। तिब्बत में हुए इस युद्धाभ्यास में गोला बारूद का भरपूर इस्तेमाल किया गया। 2 कूबड़ वाले बैक्ट्रियन ऊंट बहुत जल्द पूर्वी लद्दाख में सेना के साथ गश्त लगाते नजर आएंगे। ऐसे ऊंटों को भारतीय सेना ने अपने इस्तेमाल में लेने की पूरी तैयारी कर ली है। बैक्ट्रियन कैमल को दौलत बेग ओल्डी और डेफसांग में तैनात किया जाएगा। एलएसी पर भारत से पिटने के बाद चीन अब पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत से जंग की साजिश रच रहा है। खबर है कि पीओके में पीएलए तेजी से अपना सैन्य बेस बना रही है ताकि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर एलओसी पर भारत के खिलाफ मोर्चा खोल सके। भारत से दुश्मनी चीन को भारी पड़ रही है। ड्रैगन 6 मोर्चों पर घिर चुका है। एलएसी में भारत तो साउथ चाइना सी में ताइवान ने मोर्चा खोला है। अमेरिका ने कई मोर्चे पर घेर रखा है। ईस्ट चाइना सी में जापान तो वहीं साउथ कोरिया ने भी बिगुल फूंक दिया है। पश्चिमी देश भी चीन के खिलाफ हो गए हैं। लद्दाख में चीनी सेना की सीना जोरी के पीछे एक बड़ी वजह को लेकर एशिया टाइम्स ने खुलासा किया है। दरअसल तिब्बत में दर्जनों ऐसी नदियां हैं जो चीन, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया को जाती हैं। ये नदियां विश्व की 45% आबादी का आधार है। चीन में भी ये पानी का स्रोत है और नहरों के जरिए खेती के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। पानी की कमी चीन की सबसे बड़ी कमजोरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए तिब्बत में नदियों के सिस्टम वाले क्षेत्र में जितना बफर होगा उसके लिए उतना बेहतर होगा। अगर इन रिवर सिस्टम पर चीन के नियंत्रण को चुनौती मिलती है तो ये वहाँ की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के अस्तित्व के लिए बड़ी चुनौती होगी। तिब्बत में दुनिया का सबसे बड़ा खनिज भंडार भी है। भारत और चीन के बीच विवाद के पर्दे के पीछे से रूस भी शांति स्थापित कराने में अपनी कोशिशों में जुटा है। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में जब भारत और चीन के विदेश मंत्री बॉर्डर पर शांति को स्थापित करने के लिए सहमत हुए तो रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इसका क्रेडिट लिया। रूस अमेरिका की तरह ही एशिया में अपनी मजबूत मौजूदगी बनाना चाहता है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी